और अंदर से जो है ना ये इस तरह की है, देखिए पिंक कलर में होती है, अभी 3 दिन मैंने इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम, बोलो सलाम करो, बोलो हाय सलाम हाय, बस जाओ आप तंग कर जाओ। चलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप जहाँ पर भी हों हमेशा की तरह खुश हों, आबाद हों, शाद हों और सेहतमंद हों। आमिर के एक कज़न हैं और जब से मेरी आमिर से शादी हुई है मैं उनकी शादी का इंतज़ार कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी शादी में से तकरीबन 18 से 20 दिन रह गए हैं। अब इतने सालों से मैं शादी का इंतज़ार कर रही हूँ तो शादी की तैयारी थोड़ी सी स्पेशल करनी चाहिए ना। तो वैसे तो माशाल्लाह मेरा कलर ठीक है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा और चमकता हुआ कलर होना चाहिए। और मेरी फैमिली में से और कुछ मेरी फ्रेंड्स में से एक क्रीम इस्तेमाल करती हैं, हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम, और मैंने उनसे पूछा कि मुझे वो क्रीम बताई जाए, तो उन्होंने कहा शर्म करो शर्म करो, क्यों क्रीम लेती हो, तुम्हें भी ज़रूरत है क्रीम की। मैंने कहा हाँ जी शादी के लिए चाहिए, तब उन्होंने मुझे वो क्रीम बताई और वो क्रीम मैंने ली थी 3 दिन पहले। पहले तो आप ये मेरे हाथ पर रिजल्ट देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से बाजू का कलर थोड़ा सा कम है, और यहाँ देखें हाथ देखें, माशाल्लाह कलर ज़रा अच्छा आ रहा है। अभी तीसरा दिन है और इसका सही रिजल्ट जो है ना वो 10 से 12 दिन में आता है। तो मैंने सोचा मैं अपनी शोनियों और मनमोनियों के साथ भी ये क्रीम शेयर कर लूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और हाथ और पाँव गोरे चिट्टे मक्खन की तरह कर लें। हो सकता है आपने भी कहीं शादी पे जाना, क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको इस क्रीम के बारे में बता दूँ, 3 दिन पहले ये आई थी, पाकिस्तान पोस्ट से आई थी। एक तरफ मेरा एड्रेस, एक तरफ भेजने वालों का एड्रेस, और क्रीम की जो डिब्बिया है ना वो इस तरह की है, ऊपर कोई स्टिकर वगैरह नहीं है, और अंदर से जो है ना ये इस तरह की है, देखिए पिंक कलर में होती है। अभी 3 दिन मैंने इस्तेमाल किया, फातिमा ज़रा ना उठा उठा के फेंकती है तो एक तरफ हुई हुई है। इसको लगाना बहुत आसान, यूँ थोड़ी सी ली डब्बिया रख दो, कैसे करो हाथों पर यूँ थोड़ी थोड़ी करके लगाई। फातिमा आपको लगाती, फातिमा कहती मुझे लगाओ, ऐसे ऐसे करके ये देखें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे ये देखिए कुछ ही सेकेंड्स में एब्जॉर्ब हो गई, और इसे इस तरह से लगा के ना सारी रात के लिए छोड़ दो। ये हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम है और ये 10 से 12 दिन में ना हाथों को मक्खन की तरह बना देती, मक्खन के पेड़े। अरे अल्लाह मेरी ये वीडियो आमिर के कज़न वगैरह ना देख लें जिनकी शादी पे मैंने जाना है, वो कहेंगे लें जी ये है राज इस मैडम के हाथों और पाँव का। अब क्या करूँ, मैंने आप लोगों से भी तो ये चीज़ें शेयर कर रही होती है ना ताकि आप लोग भी लगा सके और फ़ायदे ले सकें, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करें, तो स्किन केयर कोई ख़ास नहीं है, बस ये देखिए अब शादी के लिए जा रही तो ये क्रीम मैंने मंगा ली है। और क्रीम मैंने कहाँ से लिए चले बता दूँ, चले मैं वो यहाँ मेंशन कर दूँगी, इस टाइम मुझे याद नहीं है, उनका एड्रेस वगैरह जो है ना वो मैं यहाँ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाई है। ये देखें जी, फातिमा कहती है दूसरे हाथ पर क्रीम बाद में लगाना, पहले मेरा टेडी बियर दिखाओ। एक हाथ पर लगा ली, दूसरे पर भी लगा लूँ, मम्मी को तंग नहीं करते। उधर नज़ाकत से लगाई थी, यहाँ देसी तरीके से लगाई और पूरे हाथों से, देसी है ना आखिरकार, हम जो भी हो जाए। चलें जी क्रीम लग गई, अब मैं आपको दिखाऊँ अपने प्यारे प्यारे ड्रेस जो मैंने शादी के लिए निकाले हुए हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि इनमें से कौन से वाला मैं बारात पे पहनूँ, कौन से वाला मैं वलीमे पे पहनूँ। सबसे पहला ड्रेस तो ये है, आपको नज़र आ रहा होगा, बॉटल ग्रीन कलर है या उससे भी डार्क ग्रीन कलर है। ये इसका नेट का दुपट्टा है, ऊपर किनारी शनारी और ये किरण लेस लगी हुई है। ये मैंने खुद दुपट्टा बनवाया था 2019 में अपनी बहन की शादी के लिए। और इसके साथ है ये बॉटल ग्रीन कलर, पता नहीं ये क्यों बॉटल ग्रीन नहीं आ रहा, थोड़ा सा ग्रीनिश ग्रीनिश सा आ रहा है, लेकिन यह है बॉटल ग्रीन कलर। इसके ऊपर ये मैंने काम खुद करवाया था, और ये इतना बड़ा इसका घेर है, ये मैक्सी स्टाइल में एक फ्रॉक है, इतना बड़ा घेर है, अभी घेर ख़त्म नहीं हुआ, रुके, ये देखे तकरीबन 1.5 से 2 गज का तो इसका घेर है, और हैवी काम है, हैवी। बाजुओं पे भी सेम वर्क है, और वी शेप में गला है, और ये पूरे सूट के ऊपर ना ये देखे छोटे छोटे स्टार्स हैं, ये क्या है ये लगे हुए। एक तो है ये ड्रेस, दूसरा है ये ड्रेस, ये भी नेट का है सिल्क के साथ, और ये लेस वगैरह लगी हुई है, ये यहाँ पर दामन में भी लेस लगी हुई है, और इसके नीचे है प्लाजो, और इसके साथ कंट्रास्ट में ये दुपट्टा है। और तीसरा है ये ड्रेस, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, पिछले दिनों मैंने दिखाया था शायद, ये शापोश का है, थोड़ा लाइट कलर का और लाइट वर्क वाला ड्रेस है, तो मेरे ख्याल में ये वलीमे के लिए बेहतर रहेगा या पार्टी वेयर टाइप है, ये आप लोग मुझे बताएं आप लोग। ये उसके साथ का हैवी दुपट्टा है, कौन सा कलर है ये, लाइट सा, कौन सा कलर है, लाइट सा गाजरी कलर है, मुझे इसका इंग्लिश नाम नहीं आता, लाइट पीच नहीं, पीच में नहीं आता ये,
अभी ये तीन ड्रेस है मैंने आमिर को दिखाया, मैंने कहा बताया इनमें से कौन सा पहनो, तो आमिर को तो तीनों ही पसंद आ गए। आपको पता है ना उनको क्यों पसंद आ गए, क्योंकि अगर वो कहेंगे कि ये अच्छे नहीं है तो फिर उनको और लेके देने पड़ेंगे मुझे। तो मर्द हजरात तो कहते जी सारे खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं, इनमें से आप लोग बताएं कौन सा किधर पहनूं, कौन सा किधर पहनूं। अगर तीनों ही कोई इस लायक नहीं है कि बंदा पहने, तो फिर मेरे पास और भी सूट पड़े हुए हैं जो कि बहुत दूर पड़े हुए हैं, तो फिर उनमें से कोई देखूंगी, वो थोड़े से हैवी हैं। करीम मैंने लगा ली और ये सारी रात अब लगी रहेगी, पाँव पे अभी लगाऊंगी, आपको हाथों पे लगा के दिखा दिए, पाँव पे भी सेम तरीके से लगाऊंगी। हाँ, ठंडी ठंडी सर्दियों वाली, सर्दियों वाली, फुल सर्दियों वाली हवा चल पड़ी है और शदीद ठंड हो गई है, और आमिर है शॉप पर और मेरा दिल ऐसे कट रहा है कि हाय इतनी ठंड में आमिर शॉप पर, अभी तो ठंड शुरू भी नहीं हुई। खैर जी क्या करें जी, मजबूरियाँ हैं जी, बस आज का व्लॉग यहीं तक, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, प्लीज़ कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।